तुझे जंगली चाहिए ना। अरे हराम जादे, जंगली स्वयं चलकर आ रहा है तेरी गुफा। बाबा जी ने कहा है जब ये डमरू बजाओगे सब तुम सबको देखोगे, तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। अरे वाले मेरी तकदीर, किस्मत के खेल निराले में, किस्मत के खेल निराले में, किस्मत के आगे तुम चले ना किसी का, जाए जिधर ये जाए। किस्मत के खेल निराले, जनार्दन सिंह अभी तक वापस नहीं आया, मैं जनार्दन सिंह का इंतजार करता हूं। कौन हो तुम? आओ बड़े लायक थे, तुम यहां कैसे आने की जरूरत थी? राजकुमारी को महलों में पहुंचाऊंगा, आप से यही पहले बोली से खुश होऊंगा मैं। राजकुमारी तेरी लाश को देखी, वादा महाराज से जो हमने किया, राजकुमारी के सब लाश देख। सरदार जी तुम्हें जंगली चाहिए था ना, जंगली आ गया तुम्हारे पास। अब राजकुमारी को छोड़ दो, वो जाए राजमहल। राजकुमारी को छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ूंगा, लेकिन तेरी लाश के साथ। अरे सरदार जी क्यों इतना गुरूर कर रहे हो अपनी इस बंदूक पर? जिंदगी और मौत ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, फिलहाल हम तुम तो इंसान हैं। और संगी तुम्हारी जिंदगी और मौत सिर्फ मेरे हाथ में है। अरे तो अपनी इच्छा पूरी मर लो तेरे जय भोलेनाथ। कब से मिन्नत खुशामत कर रहा, बाज आया नहीं लगनी। आपको जो इतना छोड़ दीजिए मुझे, ये लुटा भी वो कमरा दिखाई पड़े। राजकुमारी वहां पहाड़ के नीचे ला चाबिला, ये लो चाबिला, ये लो जंगली भैया, ये लो चाबी दे रहा हूं, ये लो।
अरे साले डकैत के बच्चे, ये चाबी है या खैनी का चूना? कहा गया है चोर की चोरी चली जाती है लेकिन हेरा फेरी। जंगली भैया कहते हैं कि मार के आगे भूत भागता है। ये लो साथ दे रहा हूँ, ये लो। अरे साथी, ये अपने नए नए मेहमान हैं, अच्छी तरह से खातिरदारी करना। और मैं जा रहा हूँ राजकुमारी के पास। क्या साले तू हमार सांड खोल ले गया है? मैं ये सब काम ही करता हूँ। अरे कहाँ बार कटवाए तेरे? ये कौन सा आइडिया है? ये सिक्स साइड है? इस बार को कभी देखा नहीं होगा। सुनो, एक बार गुफे के अंदर गोला बारूद कम हो गया था, मैं उसे लाने के लिए विदेश चला गया था। ये बाल वहीं पर कटाया, ये विदेश की कटिंग है। चिकन है, अच्छा लग रहा है? कैसे लग रहा है? जैसे घोड़ा का पोता। केला खिलाऊंगा राजकुमारी जी, क्या आदेश है डकैत के लिए? मंत्री जंगली, ले चलो इस हरामजादे को कैद करके दरबार में, इसको वही सजा मिलेगी। राजकुमारी जी, हमें दरबार मत ले चलो, वरना महाराज देखते हुए फांसी पर चढ़ा देंगे। थोड़ी देर जीना चाहता है तो पहन हथनी नहीं, सड़क पर नहीं। चाहे मत डामना, मैं चलने के लिए तैयार है। सरदार, गुफे के अंदर तेरा कौन कौन दुश्मन पैदा हो गया जो मेरे पैर में गोली मारा? यही तो मेरे समझ में आ रहा है। जिला नसीब कहिए सरदार, लेकिन ये गुफे के फाटक पर कौन है? और इसे देखो, मेहमान की तरह बैठा हुआ है। क्यों कौन है गुफे के फाटक पर? ये नौजवान मेरे साथ आया है और इसने ये कहा मुझे अपने सरदार के पास लेकर चलो, वहां पर चलकर लाखों की दौलत बताऊंगा। जनादा सिंह दिल को चाहता है कि हम तुम्हें इसी वक्त गोली मार दें। मालूम है रघुवीर सिंह किसी के बताए हुए धन को नहीं उठता है। हाँ सरदार, ये मेरी पहली गलती है, क्षमा कर दीजिए। ले आओ उस नौजवान को। है लड़के, सीधे साधे खड़े हो जाओ, मेरे सरदार का हुक्म है। ये लड़के साफ साफ का तू कौन है? लेकिन सबसे पहले जनादा सिंह, इसके ऊपर हमें शक हो रहा है, इस नौजवान की पहले तलाशी लो। सीधे साधे खड़े हो जाओ, तलाशी लूंगा।
शहजाद छे फेरा जनादा से हमें पहले से शक था, लेकिन अभी भी इसका सीना हमें ऊंचा ऊंचा दिखाई दे रहा है। इसके सीने की तलाशी लो। आगे शाहधान अपना हाथ पीछे करके खड़े हो जाओ, पूरी तलाशी लूंगा। शाहधान आखिर बात पति नहीं है तो सरदारी चला 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 साफ साफ बता कि तू कौन है और यहां किसे आई है। राजकुमारी के रानी हूं, सच्ची बता। बातें करना वरना सरस मामे मर रहे। अरे तू कमी न डाकू, हर पहला को मेरे लाला, छोड़ दे तू इसको अर्जी लगा। जनादा से एक तरफ कमीना कर रही है और दूसरी तरफ हाथ जोड़ रही है। बैठ जाओ, मेरे दुश्मनों की खातिरदारी अभी होगी। जनादा से आवाज गुफे के अंदर ये पाए की समाचार आवाज और ये घोड़ों की समाचार आवाज ये कहां से आ रही है। सरदार, सरदार ने कभी आपने मुझसे पूछा और नहीं मैंने आपसे कभी बताया, ऐसी बात क्या है। सरदार, ये घुघरू की आवाज जो सुन रहे हो गुफे के अंदर, ये मेरी प्रेमिका की है। जनादा सिंह, तू भी किसी से प्यार करता है? सरदार, अभी जल्दी जल्दी किया, लेकिन बताया नहीं, मौका नहीं मिला। सरदार, कोई बात नहीं है, बुलाओ अपनी प्रेमिका को, हम भी देखें तुम्हारी प्रेमिका कैसी है। सरदार, बुलाऊंगा अपनी प्रेमिका को बुलाऊंगा, लेकिन मेरी प्रेमिका को कहना नहीं। जनादा से मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है सर, लाओ। आओ आओ मेरी जान, आओ। देखो ये मेरे सरदार जी हैं, इनसे नमस्ते करो। सरदार जी, जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय मां भवानी। खुश रहो मेरे दोस्त की प्रेम का, खुश रहो सरदार जी। अरे हुक्म अगर आपका सरदार जी में पाए, और अभी
सब अपने दुश्मन है। हाँ हाँ मेरे दोस्त की प्रेम का ये सब अपने दुश्मन है। ये नौजवान कौन है? ये नौजवान ये मेरा जानी दुश्मन है, इसका नाम जंगली है, जो दरबार में महामंत्री की सीट ही रखा है। ओ, और सरदार जी ये महाराज धीर सिंह की बड़ी राजकुमारी है, इनका नाम राजकुमारी किरण है। जी ये वही नौजवान है जो कि मुझे लाखों की दौलत बताने आया था। ये महाराज धीर सिंह की बड़ी राजकुमारी है। मैंने तुमसे क्या कहा था इसका सीना हमें ऊंचा ऊंचा लग रहा है? इसकी तलाशी हुई जब ही तो मालूम पड़ा। और ये तीसरी वाली कौन है सरदार? ये जो बहुत रो रही है इसकी किस्मत में उम्र भर रोना लिखा है। ये महाराज धीर सिंह की छोटी राजकुमारी है, इनका नाम राजकुमारी प्रेमलता है। अच्छा सरदार जी कहो, एक चीज मैं अजब की देख रही हूँ। मेरे दोस्त की प्रेम का क्या देख रही हो? ये जो आप डमरू लिए हैं इसको तो मदारी लोग लिए रहते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब आप मदारी का खेल दिखाते हैं? मेरे दोस्त की प्रेम का ये गजब का डमरू है। चुप रहो, बैठे रहो। मेरे दोस्त की प्रेम का इस डमरू को बजाने वाला सबको देखता है और बजाने वाले को कोई नहीं देख पाता। ये बात है सरदार जी, हमें विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो देखो तुम सबको विश्वास दिलाता हूँ। सरदार जी कहाँ थे आप? अब तो हम लोग बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। अब तो दिन में भी डकैती करो, चाहे रात में करो, चाहे जब करो, डमरू बजाओ घर में हल्दा। क्यों नहीं मेरे दोस्त की प्रेम का सच कह रही हो? सरदार जी कहो, आज इसी डमरू की खुशी में आज की शाम आपके नाम अपने हाथों से पिलाऊंगी। शाम बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। क्यों जनादर से हो ना थोड़ी थोड़ी। और सरदार जी थोड़ी हमने मंगा कर भी रखा है कि पहुंचने पर सरदार जी का स्वागत मैं इसी से करूंगे। हरी राम, लेकर आए इंतजाम। ए मेहनरे तू भी सरदार जी के सामने थोड़ा सा खाओ, अभी सरदार को ज्यादा पिलाऊंगी और हम तुम गुफे के अंदर चलेंगे।